और मेरे सूरवीरों कैसे हो। जैसा कि पता है कि अभी यूपी बीएड का जो पेपर होने वाला था वो लॉकडाउन की वजह से टल गया है, जो कि बहुत बड़ी विपत्ति आई है कोरोना के रूप में, और उसने सारी लोगों की लाइफ को उथल पुथल करके रख दिया है। तो अभी हम लोगों के पास अच्छा मौका है। अभी एक दूसरी डेट आई थी, उड़ती हुई खबर थी कि 22 अप्रैल को होगा, लेकिन जहां तक सूत्रों से ये खबर मिली है कि 22 तक को भी पेपर नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन यूपी में बढ़ने के चांसेस, जिस तरह के कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से यहां लगता नहीं कि लॉकडाउन अभी हटेगा। तो तैयारी का आपके पास अच्छा मौका है। जिन लोगों का एसएससी का पेपर है उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है उनका पेपर थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर यूपी में लॉकडाउन नहीं समाप्त होगा तो मुश्किल है पेपर होना। आज मैं आप लोगों के लिए वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी जल्दी जल्दी हमको तैयारी करनी है और किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उतना मजा नहीं आएगा जिस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और उसका जो आंसर होगा वो डिटेल में बताऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग भी अपना एनालिसिस करते रहिएगा कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने आते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या डी सामवेद। तो इसका जवाब होगा ए ऋग्वेद। भाई ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद भारतीय आर्यों की नहीं, क्या है कि भारतीय आर्यों की नहीं बल्कि पूरे समस्त आर्य समाज की, समस्त आर्य समाज की ये रचना है, प्राचीनतम रचना है। और यहां भारत तथा भारतेतर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें ये भी जान लीजिए कि इसमें जो मंडल हैं वो 10 हैं, मंडल 10 हैं, और सूक्त जो हैं वो हैं 1028 सूक्त। ये भी पेपर में आने के संभावनाएं रहती हैं कि इसमें मंडल और सूक्त के बारे में पूछ लेता है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का ए, यानी कौन होगा, ऋग्वेद। क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फटाक से। दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी शुल्व सूत्र या डी छांदोदग्य उपनिषद। आंसर बताइए। चलिए आंसर देखिए, आंसर क्या होना चाहिए इसका। आंसर है इसका सी, यानी शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र क्या है, वैदिक गणित के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो शुल्व सूत्र में दिए गए हैं। इसमें क्या है कि यज्ञ स्थल और अग्निवेदी के निर्माण और उनके माप से संबंधित जो नियम है वो दिए गए हैं। किससे संबंधित, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किससे संबंधित नियम दिए गए हैं। तो यज्ञ स्थल और वेदी के जो माप होने चाहिए वो दिए गए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें या डी है सब्जियां और फल। तो एक चीज याद कर लीजिए कि हम लोगों का जो धर्म ग्रंथ हम लोगों के चलते हैं, जिसे पूजा पाठ वगैरह होती है, ये आर्यों के हिसाब से ही होती है। तो हम लोगों के पूजा पाठ में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। भाई एक तो यूज होता है जौ और दूसरा यूज होता है चावल, यही तो यूज होते हैं। भाई जौ नवरात्र में जो कलश रखा जाता है उसमें जौ के किनारे किनारे लगाए जाते हैं, और जल चढ़ाते समय चावल का यूज होता है। तो याद रखने वाले कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, जौ और चावल। वैदिक काल में लोग जो थे वो जौ तो उपजाते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं की मुख्य फसलें हो गई थी, लेकिन बाद में चलकर गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खाद्य हो गया। वैदिक लोगों
का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। वैदिक ग्रंथों में इसका नाम व्रीह है। क्या है? व्रीह। यह भी क्वेश्चन आता है कि वैदिक ग्रंथों में इसका दोआब में जो पाए गए थे तो वैदिक ग्रंथों में इसका नाम क्या था? इसका नाम था व्रीह। चावल के अवशेष जो हस्तिनापुर से मिले हैं यह ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी का है और इस समय के आसपास एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा में भी चावल मिला है। तो वैदिक अनुष्ठानों में चावल के प्रयोग का विधान है पर गेहूं के प्रयोग का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया। हम लोगों के पूजा पाठ में कहीं पर भी गेहूं का उल्लेख नहीं मिलता है तो इसलिए वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल। तो याद हो गया होगा, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, जीके बहुत ही टफ नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो ए है जौ, बी जई, सी राई या डी गेहूं। तो भाई अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा कि सबसे पहले मनुष्य ने जो अन्न प्रयोग किया था वो था जौ, जिसे यव भी कहते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 5 कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ये भी याद रखिए कि हम लोगों में जो पूजा होता है तो जल चढ़ाने के लिए जो बर्तन यूज होता है किस चीज का होता है? तांबे का। तो याद रखिए कि जितनी चीजें हम लोगों के पूजा पाठ से रिलेटेड हैं वैदिक सभ्यता में हमारे आंसर उसी से मिलते जुलते या वही होंगे। तो यहां पर ऑप्शन में था चांदी, सोना, सी लोहा या डी तांबा। तो इसका सही जवाब होगा तांबा। तो इसका सही जवाब है डी। चलिए अगला, वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ ए है ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता या डी शक्ति। तो ए इसका सही आंसर होगा ए, यानी ज्ञान। वेद का मतलब है ज्ञान, जो वेदों का ज्ञान, जिसने वेद पढ़ लिया हो वो क्या हो जाता है? ज्ञानी। तो इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि आर्य पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो भाई इसका सही जवाब होगा डी। आर्य जो है इसका सही जवाब होगा डी, आर्य या आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए है जौ, ये पढ़ लिया हमने था, बी है गेहूं, ये भी पढ़ लिया था, सी चावल, ये भी पढ़ लिया था। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी, यानी वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। अगले प्रश्न पे आते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो ए ब्रह्मचर्य, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। भाई डी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है गुरुकुल में पढ़ाई करते समय, उसके बाद शादी होती है, गृहस्थ जीवन में आते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को संभालते हैं, क्या है, फिर वानप्रस्थ होता है और उसके बाद आखिरी में हम ईश्वर की पूजा में लग जाते हैं, वो संन्यास होता है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? ए शिक्षा पर, बी जन पर, सी व्यवसाय पर या डी प्रतिभा पर। तो इसका सही जवाब होगा सी, कि वह आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जिस तरह से अभी हम लोगों में चलता है कि जो जो काम करता है उसी हिसाब से उसकी जाति निर्धारित हो जाती, यानी कि किसी के पिताजी बढ़ई हैं तो उसका व्यवसाय बढ़ई का है तो वो बढ़ई होता रहेगा, कोई नाई है परिवार में, पिताजी नाई है तो उनके बच्चे, उनकी जो पुश्तें होंगी वो नाई के हिसाब से ही, तो व्यवसाय के हिसाब से जाति व्यवस्था थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यहां इस तथ्य से पुष्ट होता है कि
ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन, उपयुक्त सभी। तो भाई ये चीज जान लीजिए कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज थी तो वो थी गाय। तो तीनों विकल्प में गाय का जिक्र किया गया, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। उनकी अधिकांश लड़ाइयां गाय को लेकर हुई है। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि यानी गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी, या कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, या आम तौर पर गायों और दासियां होती थी दक्षिणा के रूप में, और भूमि कम ही होती थी। ऋग्वेद में लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो यानी भूमि का उतना महत्व नहीं था। वैदिक काल में गाय ज्यादा महत्वपूर्ण पशु था, तो इसलिए इसका विकल्प डी यानी उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यानी आर्यों को एक जाति कहा गया, वो किसने कहा था सबसे पहले? सर विलियम जोन्स, एच एच विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम? तो इसका सही जवाब है सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि का देश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब और पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। तो इसका सही जवाब होगा सी, मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्यों को जाति कहकर, एक जाति कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? ए बलि, बी विदत, सी वर्मन या डी कर? यानी वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? भाई वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि, बलि का मतलब हो गया कि बलि को संग्रहित करने वाला जो अधिकार होता था, भाग दूध उसे जो इकट्ठा करता था उसे कहा जाता था भाग दूध। क्या कहा जाता था? भाग दूध। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी वैदिक युग में राजा जो जनता से कर वसूलता था उसे कहा जाता था बलि। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो भाई प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद या डी सामवेद? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका आंसर पता है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। यानी जो गायत्री मंत्र है वो किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। और यह मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। अगला, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग लोगों को इसका आंसर पता होगा। मुझे नहीं लगता विकल्प पढ़ने, लेकिन फिर भी है तो पढ़ लेता हूं। ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, भगवद गीता या मुंडकोपनिषद? तो इसका सही जवाब है ठीक, मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? यानी वो ऐसी दस्तकारी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, जो उनके द्वारा यूज नहीं होती थी। ए मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते थे पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी यानी काश्तकारिता और डी लुहार यानी लुहारगिरी? तो इनके हिसाब से डी विकल्प सही होगा, लुहार या लुहारगिरी। एक्चुअली क्या है कि ऋग्वैदिक आर्यों को बढ़ईगिरी, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, स्वर्णकार आदि दस्तकारी का तो वर्णन है, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों में प्रमुख दस्तकारी में भी लुहार का वर्णन नहीं है। जबकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे की जानकारी हो गई थी, लेकिन फिर भी उनमें लुहार के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो होते थे, ब्राह्मण का मतलब हुआ
वही जो ग्रंथ हैं उन्हीं को वेद और ब्राह्मण कहा जाता है, तो उसके जो विरोधी अध्यापक होते उनकी जो बुराइयां बताते उनको क्या कहा जाता है, जैसे ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वण या डी श्रेष्ठिन। तो इसका सही जवाब है बी श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था, यानी इसका विकल्प भी बिल्कुल सही है। अगला विकल्प, अगला प्रश्न, 1900 निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही जवाब होगा डी गार्गी। निम्नलिखित में किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो है गार्गी। गार्गी को चुनौती दी गई थी, और याज्ञवल्क्य जो संवाद, गार्गी संवाद है वो संवाद का वो वृहद अरण्यकोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ए ऋग्वेद की संहिता में, बी यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या अथर्वेद की संहिता में। तो जो संगीत है, संगीत सामवेद में संगीत के गायन के बारे में बताया गया है, तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, तो इसलिए इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। तो ये रहे 20 प्रश्न, और अगर इतना ही आप तैयार कर लेते हैं तो वैदिक युग से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, क्योंकि ये अब इस तरह के क्वेश्चन आपको रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, और जिससे आपकी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कम समय में ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।